राधे राधे सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा गर्ल। कहते हैं आप सब लोग, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अब हो चुकी है सुबह और मेरे भी देख सकते कैसे लगे, कैसा कलर आया है इसमें। तो गाइस, मैंने चूड़ा मैंने रात को डाल लिए थे क्योंकि आज था बुध, तो बुध को नहीं डालते हैं, तो इसलिए मैंने डाल लिया चूड़ा। आज करवा चौथ है तो हैप्पी करवा चौथ सभी को मेरी तरफ से। और बने रहिए वीडियो में, करती हूँ वीडियो कंटिन्यू। तो गाइस, पहले से पहले बना लेती हूँ चाय रख देती हूँ बनने के लिए। चलो तो गाइस, यहाँ पे मैं रख देती हूँ बनने के लिए चाय। तो मेरी बन रही है चाय, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। चाय तो मैंने रख दी बनने के लिए और अब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाफट से नहा के, और करती हूँ वीडियो कंटिन्यू। आगे बने रही है मेरे साथ। और गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि मेहनत कैसी लगी। तो गाइस, करती हूँ वीडियो कंटिन्यू आगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहाकर और मैं कर लेती हूँ यहाँ पे पूजा। तो गाइस, पूजा मैंने कर ली है सुबह की कथा। तो गाइस, लेट ही सुनते हैं तो कथा लेट सुनेंगे। तो गाइस, मैं सुबह की पूजा पाठ में नहा धोकर जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पहन लेती हूँ अपने पायल, बदल लेती हूँ अपनी बिछुए, बदल लेती हूँ चुट्टी वगैरह। तो गाइस, मैं तो हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार कहानी सुनने के लिए। बस कहानी सुननी बाकी है, 2:30 बज रहा है, पता नहीं कितने बजे सुनी कहानी। और अब हमारी यहाँ पर दीदी, कैसी बनाई है ड्रेस मैंने? ये ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाई है, अपने हाथों से डिजाइन की है गाइस। तो देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है मेरा लुक। ये वाली दिखाती हूँ आपको फुल इसकी पिक। और देखो, अब यहाँ पे हो रही दीदी रेडी। भाई साहब, मैं देख लेती वीडियो। तो गाइस, करते हैं वीडियो को कंटिन्यू आगे। अभी हम जाएंगे कहानी सुनने के लिए, फिर दिखाती हूँ। सो गाइस, ये बनाई थी मैंने ड्रेस जो है साड़ी। तो कैसी लगी आपको तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। पिछली बार मैंने नायरा कट बनाया था अपने हाथों से, और अब बनाया है मैंने ये ड्रेस। मैं खुद डिजाइन करती हूँ अपने कपड़े और अपनी ड्रेस वगैरह जो भी होती है, मुझे अपने हाथों से करना पसंद है। तो कैसी लगी गाइस, तो कैसा लगा मेरा लुक कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आगे देखना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है ये, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बहुत ही इंजॉय करा सबने, कहानी सुनने गए थे, मैं जा रही हूँ देख सकते हैं कहानी सुनने के लिए। तो दिखाते हैं अभी आपको आगे आगे, बने रहिए वीडियो में। आज पहली बार सब दीदी वीदी और सब एक साथ है, दीदी पे नाचेंगे। सो गाइस, यहाँ पे कर लेते हैं हम थोड़ा सा डांस, क्योंकि हम कर रहे थे वेट। दो दीदी नहीं आई है तैयार होकर, अभी वो रह रही है, तैयार होकर आएंगी। इतने तो हम का वेट कर रहे थे, तो फिर कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा डांस वगैरह। तो देख सकते हैं आप गाइस, हम कर रहे हैं यहाँ पे डांस। खूब मस्ती करी थी आज करवा चौथ पे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने गाना जो है सॉन्ग इसलिए नहीं डाला है क्योंकि व्लॉग में कॉपीराइट लग जाता है, तो इसलिए मैंने वो सॉन्ग हटा दिया है इसमें। तो विदाउट सॉन्ग बना रही हूँ मैं गाइस। तो इसकी जो शॉर्ट वीडियो है, मैं उसमें आपको पूरा सॉन्ग के साथ वीडियो मिल जाएंगी आपको, आप वहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो इसमें मैंने गाना नहीं डाला है, तो बने रहिए गाइस वीडियो में, देख सकते हैं आप भी किस तरीके से हमने डांस किया और कैसा लगा हमारा डांस। तो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो गाइस यहाँ पे आ चुकी थी दीदी तैयार होकर, तो उनके साथ भी किया थोड़ा सा डांस, तो एक गाने पे उनके साथ डांस करा। तो गाइस फिर उसके बाद हमने बैठ गए थे कथा सुनने के लिए। तो सब आ चुके हैं और अब सुन लेते हैं कथा। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस, तो कर लेते हैं कथा सुन लेते हैं। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी मनी आपकी करवा चौथ सबकी। हमने तो खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती करी, सब मिल गए, मिलकर ने डांस किया सबने मिलकर। और देख सकते हैं गाइस सब एक साथ थे, आपके दीदी भी थी इस बार हमारे साथ, सब ने बहुत अच्छा डांस किया। शादी हो चुकी थी लड़की की, नई नई शादी हुई थी, लड़की कराई हुई थी घर पहली करवा चौथ से। तो सब उसकी माँ ने सब सारी बहुओं को और बेटी को बोला कि बेटी करवा चौथ का व्रत रखो। तो सभी ने विधान पूर्वक श्रृंगार करके, बेटी ने बहुओं ने सभी ने श्रृंगार करके करवा चौथ माता का व्रत रखा। व्रत रखने के बाद शाम होती चली गई, भैयाओं ने बोला नहीं, शाम होती चली गई और बेटी, हाँ बेटी को, बेटी खोल दिया। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें अंकंतर आया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आया, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आया कि दामाद जी बहुत बीमार है, जल्दी बहू को घर भेजो। सासू माँ ने ये सुन के सभी घबराने घबराने लगे। सासू माँ ने जल्दी से बेटी संदूक खोली बेटी को विदा करने के लिए, तो माँ के तो वैसे यहाँ पे हुआ था हमारा फोटो शूट, तो हमने सबने फोटो खिंचवाई, यहाँ पर देख सकते हैं हम सबने फोटो कैसी लगी हमारी फोटो। तो वैसे हम सबने मिलकर यहाँ पे फोटो शूट किया। और यहाँ पे दे रही हूँ मैं चंद सूरज को पानी। तो वही दे सकते हैं हम सबने मिलकर, सबने दो दो जोड़ा जोड़ा से ही पानी दिया है सूरज को। चांदी का जो होता है छल्ला या चांदी के रुपए लेकर, चांदी के छल्ले पे हाथ में लेकर फिर उसको जोड़ा से ही जल चढ़ाते हैं सूरज को। तो हमने सबने मिलकर ऐसे जोड़ा जोड़ा से जल दिया सूरज को। तो गाइस देख सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, कैसे खोला व्रत और कैसे क्या एंजॉय सबने। इसके बाद भी हमने डांस, व्रत खोलने के बाद हमने चाय पी, चाय पीने के साथ उसके बाद सबने मिलकर दोबारा से डांस किया गाइस।
देखते रहिए। आप भी दोबारा आ गए हम डांस करने के लिए यहाँ पर। तो गाइस सबने चाय पी ली, चाय पीने के बाद सबने मिलकर फिर दोबारा से थोड़ा सा किया डांस, और उसके बाद बज गए थे 5:05 बजे। फिर हम चल दिए थे अपने घर, अपने अपने घर के लिए, और सबने मिलकर किया खूब इंजॉय, खूब मज़ा आया, खूब इंजॉय किया, मस्ती करी। तो गाइस देख सकते हैं आप, पीछे बना रही है हमारी मम्मी जी चाय। तो ये है हमारी मम्मी जी, सासू माँ, वो हमारे लिए चाय बना रही थी, बार बार हमें चाय पिला रही थी। हम सब ने डांस कर रहे थे यहाँ पर, और वो हमारे लिए चाय बना के हम सबको पकड़ पकड़ के चाय पिला रही थी कि बैठो पहले चाय पी लो फिर करना डांस। तो देख सकते हैं गाइस, ऐसी सास भी किसी को मिलती है क्या? देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है हमारी सासू माँ, बहुत ही अच्छी है हमारी मम्मी जी। देख सकते हैं आप, बना रही है हमारे लिए चाय, और बहुएं देखो कैसे डांस कर रही हैं सारी की सारी। ये सारी बहुएं हैं, और इसमें दो है दीदी ननंद, और हम तीनों हैं देवर जिठानी, देवरानी जिठानी। तो गाइस इस बार ना दीदी थी हमारे साथ, तो दीदियों ने मिलकर बहुत, देखो किस तरीके से मस्ती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा करी थी मस्ती इन्होंने। तो ये है हमारी जिठानी, तो ये है हमारी जिठानी, ये भी नाच रही है, वो थी दीदी हर। तो गाइस बहुत ही मज़ा आया। ये है दीदी, इनका भी बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने भी, देख सकते हैं आप भी। गाइस कैसा लगा इनका डांस कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ही अच्छा डांस किया इन्होंने भी। तो गाइस यहाँ पे क्या था, दीदी ने थोड़ा सा डांस एक गाने पर बहुत ही अच्छा डांस किया। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि गैस करो कि ये कौन सा गाना है और ये कौन से गाने पे डांस कर रही है। गाइस कमेंट करके जरूर बताना, सोचो कि कौन सा गाना है ये। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर पर अब। तो गाइस मैं अपने घर आ चुकी हूँ, अब मैं देर चाय मैंने बना दी है, अब मैं दे रही हूँ दीदी को चाय, दोनों दीदियों को चाय दे देती हूँ, और फिर कर लेती हूँ खाना की तैयारी कि खाने में क्या बनाना है। वैसे तो मैं हर बार कचौरी और छोले चावल, ब्रेड वगैरह जो भी होते हैं वो सब चीज़ बनाती हूँ, इस बार भी यही बनाऊंगी। क्योंकि गाइस बोलते हैं ना कि जो हम पहले फर्स्ट टाइम बनाते हैं वही हम बनाते रहते हैं हर बार, तो मैं इस बार भी मैं कचौरी बनाऊंगी। तो गाइस बनाती हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं आलू मैंने बोलने रख दिए हैं यहाँ पर, और मैं आ चुकी हूँ अपनी साड़ी चेंज करके, क्योंकि साड़ी में मुझे काम नहीं होता और हो जाती वो ख़राब। तो फटाफट से मैंने सूट चेंज कर लिया, जो मैंने सुबह पहना था वही मैंने दोबारा से पहन लिया है सूट, और मैं कर लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से कचौरी बनाने की तैयारी। आलू गलने रख दिए मैंने, और अब कर लेती हूँ आटा तैयार, क्योंकि 7 बजे गाइस पूजने का टाइम है, 7 बजे पूजते। सो गाइस यहाँ पे कर लगा लेती हूँ मैं आटा, उतने में आटा लगाऊंगी और उतने हो जाएंगे मेरे आलू भी तैयार उबल कर। फिर फटाफट से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं हलवा। तो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे हो गए थे मेरे चाय वगैरह के बर्तन, देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो चुके थे, और दीदी भी बर्ती थी, दीदी कर रही है यहाँ पे आराम, और मेरे आलू भी उबल चुके हैं, तो मैं इनको कर लेती हूँ घ्याकस में। थाली पूजने की, और मैं पहले पूज लेती हूँ करवा चौथ माता, पूज लेती हूँ करवा चौथ। हम फिर आ गए हैं इनके घर में कपड़े सेंड करके, अब हम चांद निकलने वाला है, तो हम बोलेंगे सब चांद का, चांद देखेंगे। ये नाच रही है, नाचो। और यहाँ पे हमारी सारे कुछ जाते थाली पे, और हम पास बैठा के माता को खिला के
चांद निकल आना अभी निकलेगा चांद अभी दिखेगा पर हमारे यहाँ थोड़ी देर में 10 बजे ऊपर निकले पूरे अब आए हलवाई में पैक कराए पैक करा क्या क्या लेता है सीधा भगा यो डिब्बा दिखाई वो डिब्बा लेगा 11:30 हो रहे सब सो भी गए अपने बर्थ खोल खोल के तो कोई बात नहीं लेट हो गए जाओ लेट हो गए जब जब तू डरी जब चलो अब देख लो चंदा आ जल्दी आ खोल लो बर्थ तो गाइस चलते हैं ऊपर बट कौन कब से बैठी मैं तो 11:30 हो गए पूरे टाइम देख सकते और क्या 11:30 हो गए सब सो भी गए होंगे अभी बिना रोड पे ले लेके अपनी बहू ने स्कूटी पे लेके हाँ अब खुलवा रही है अरे बहुत खड़े अभी चलो सो गाइस मैं हो गई थी काफ़ी लेट बर्थ खोलने के लिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया 11:30-12 का टाइम हो रहा है ये आए थे तुरंत 11:30 बजे इनकी छुट्टी हुई थी ये तुरंत आए थे जॉब से और आते ही मैंने देख ली बर्थ खोलने के लिए आ गई हूँ ऊपर छत पर तो गाइस खोल रही हूँ मैं यहाँ पे बर्थ अपना देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे बर्थ खोला था काफ़ी अंधेरा हो चुका था तो ऊपर छत पर हमारी लाइट नहीं है तो मैंने टॉर्च जला के ये वीडियो बनवाई थी तो देख सकते हैं आप गाइस किस तरीके से मैंने ऊपर खोला है बर्थ अपना और ये पिला रहे हैं मुझे यहाँ पर पानी तो गाइस थोड़ा सा पानी पिया पानी पीते ही मेरा भर गया था पेट बिल्कुल वही है ना खाली पेट रहता है सुबह को फिर पानी वानी पी ले तो पेट भर जाता है तो देख सकते हैं गाइस अब चलते हैं नीचे गाइस करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड मेरा खुल चुका है बर्थ अब टाइम को बता दो तो टाइम पूरे करेक्ट 12 बज गए अब क्या भूख लग रही है भूख को समेट गई पानी पी के पेट भर गया अब तो वैसे एक कचौरी खा लूँ और मैं सो जाऊँगी ओके बाय गुड नाइट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि किस डांस क्या सबने बहुत मस्ती करी और मेरी ड्रेस कैसी बनी मैंने खुद डिजाइन की थी ड्रेस ओके बाय।